फुल एजुकेशन सपोर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 इनडायरेक्ट टैक्स। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम लोग कर रहे हैं मुंबई यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व, जो कि क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 डिस्कस करा दिया है। आज के लेक्चर में मैं क्वेश्चन 5C करवाने वाली हूँ। क्वेश्चन 5A, 5B ऑलरेडी डिस्कस करा दिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का किस तरीके से आंसर लिखते हैं ये मैं आपको बताने वाली हूँ। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वेश्चन 5C, स्पीड लिमिटेड और ट्रेडिंग कॉन्सर्न इन महाराष्ट्र इज रजिस्टर्ड डीलर एंड 1-2 ओपीटी फॉर कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम के लिए उनको ओपीटी चाहिए एंड इट रिक्वायर यू विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द 1920 काइंडली एडवाइस। आप एडवाइस करिए कि क्या ये जो बंदे हैं स्पीड लिमिटेड ट्रेडिंग कंसर्न जो है ये रजिस्टर करना चाहती है, रजिस्टर डीलर है ये, और इनका कहना है कि इनको ओपीटी कॉम्पोजिशन स्कीम में चाहिए, ठीक है। तो ये क्या एलिजिबल है ओपीटी कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर हाँ तो कैलकुलेट करिए कॉम्पोजिशन टैक्स लाइबिलिटी। कॉम्पोजिशन टैक्स लाइबिलिटी आप कैलकुलेट करिए एंड उसमें जो एसजीएसटी सीजीएसटी है उसको भी इंक्लूड कर दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन 5A था एज इट इज क्वेश्चन 5A की तरह है। तो पहले आप सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, देन मैं इसका आंसर बताती हूँ। तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर रूपीज दिया है, ठीक है। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड। इंट्रा मीन्स क्या, इंट्रा मीन्स मैंने आपको पहले बताया कि विद इन कंट्री जो स्टेट टू स्टेट ट्रांसपोर्टेशन होते हैं बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड इंट्रा स्टेट सप्लाई, ठीक है। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड टू मिस्टर संगमा जो कि यहाँ पे 10 लाख दिया गया अमाउंट। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड टू मिस सिबल जो कि टैक्स रेट दिया है 12% 30 लाख का। देन थर्ड है इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड मिस्टर जेटली, रेट आपको 18% दिया 20 लाख का। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्स मिस्टर गांधकरी, टैक्स रेट दिया है 5%। देन यहाँ पे दिया है वैल्यू इनवर्स सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म 5 लाख का। ऑल अमाउंट आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, यहाँ पे जीएसटी इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अब ये एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, देखो आपको जब भी क्वेश्चन में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नजर आए तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे लिखा है कि टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज के ऊपर आपको टैक्स, यहाँ पे टैक्स भरा गया है सप्लाई, तो प्लीज इसको इग्नोर करो, इसको बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करना चाहिए। तो आप नोट लिख दो वहां पे कि नॉट इंक्लूडेड ये, ठीक है, क्योंकि इसको इंक्लूड बिल्कुल नहीं करते हैं। आप देखेंगे कि तीनों क्वेश्चन 5A, 5B, 5C तीनों में ये चीज आई है, इनको इंक्लूड किया गया है, तो प्लीज इसको इंक्लूड करिए। अब करना क्या है, तो ये जो अमाउंट है 10 लाख, 30 लाख, देन 20 लाख, 20 लाख, इन अमाउंट को आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद ही मैं बताती हूँ आपको, तो आपका वो वैल्यू ऑफ सप्लाई आएगा। जब वैल्यू ऑफ सप्लाई आएगा तो उसमें से आपको ये दोनों जो है इनका परसेंटेज निकालो, ऐड करो, देन अमाउंट आप लिख दो, तो टोटल कंपटीशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी आएगा। मैं इसको कैसे करते हैं मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे पहले लिखना है टोटल एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ स्पीड लिमिटेड, जो कंपनी है उसका नाम लिख लिया, पर्टिकुलर अमाउंट। अब जो इंट्रा स्पीड ये सारी चीजें थी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पे डालनी है, तो वो चीजें आपको यहाँ पे करनी है। यहाँ पे जो था ये पर्टिकुलर का, ये जो जितनी चीजें हैं वो सभी लेना है, सिर्फ 5 लाख को छोड़ के सभी अमाउंट लेना। जैसे कि मिस्टर संगमा का 10 लाख था तो यहाँ पे आप 10 लाख लिखोगे। देन मिस्टर सिबल का जो कि सिबल थे इसका 30 लाख था तो यहाँ पे भी आपको 30 लाख लिखना है। देन इनका 20 लाख था, देन इनका भी 20 लाख था, तो दोनों का अमाउंट लिखना है। देख रहे होंगे आप मैचिंग ही है, सब चीजें सेम लिखनी है। देन उसका टोटल आ गया 80 लाख, ठीक है। इन अमाउंट का टोटल ऐड करोगे तो आपको 80 लाख मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 80 लाख आ गया, इसे आप नाम दोगे जो कि नाम है वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब इसका वैल्यू ऑफ सप्लाई ऐसा नाम आपने लिख दिया है। देन टोटल एग्रीगेट टर्नओवर जो है हमारा, एक चीज याद रखना कि जो लिमिट होती है हमारी, है ना, लिमिट फॉर कंपोजिशन लेवी की, वो होती है 1.5 करोड़। अगर उस लिमिट से वो कम है तो वो बंदा
एलिजिबल है ओपीटी स्कीम के लिए। तो यहाँ पे 80 लाख है, इट मीन्स 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ से तो कमी है अमाउंट, इसलिए ये जो स्पीड लिमिटेड है ये एलिजिबल है, इसलिए यही चीज यहाँ पे लिखी है कि ये एलिजिबल है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर है तो आप कंप्यूट करिए, है ना, कंपोजिशन टैक्स लाइबिलिटी। तो जो 80 लाख है उसका 0.5% करिए, जो आपको क्वेश्चन में दिया है 0.5 किया तो 40,000 आएगा, ये सीजीएसटी आ गया। एलजीएसटी भी 0.5% आप 80 लाख में से करोगे, मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 40,000। मैं आपको करके दिखाती हूँ, 80 लाख, 80 लाख का 0.5% 40,000। तो इस तरीके से दोनों में आपका 40,000 आया, ऐड किया तो आपको टोटल टैक्स लाइबिलिटी आया जो कि एट द रेट 1% कितनी है 80,000 की। थर्ड चीज जो कि मैंने पहले भी बताई आपको क्वेश्चन में कि वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, उसको आप इज नॉट इंक्लूडेड, यहाँ पे आप लिख दो कि इंक्लूडेड नहीं है। देखा आपने कितना इजी है, बस इस तरीके से आपको लिखना है और आपको मार्क्स आपके हाथ में, ये 10 मार्क्स आपके हाथ में, कितना इजी है टैक्स, कितना इजी है। अगर ऐसे टाइप का पेपर इस साल भी आ जाए तो प्लीज गाइज लिख के आइएगा, और अगर आपको हमारे चैनल से हेल्प हुई तो कमेंट में जरूर करना कि हाँ हमको हेल्प हुई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, शेयर करिए हर भारतवासियों को।